तो ये बता रहा था कि अभी मैं सवेरे उठा हूँ आज, क्योंकि मुझे जादू दिखाना है आपको। और ये भाई साहब मिले प्रीवियन स्पेसिफा ब्रश स्पेसिफा। तो मैं चौथा इंडियन नहीं हूँ जहाँ जाऊँ, यहाँ पर पहुँचा हूँ। काफ़ी अच्छा लगा जानकर कि चौथा इंडियन। सर्टिफिकेट ले लिया मैंने, सर्टिफिकेट मिल गया आराम से। Не понимаю, в чём говоришь? Не понимаю. А скул, скул. Good morning guys. तो कैसे हो आप लोग? तो अभी मैं सुबह जल्दी उठ गया हूँ, जल्दी तो नहीं 9 बज गया यार उठते उठते। अभी भी मैं मास्को बिस्केक वाले टाइम में हूँ, किर्गिस्तान वाले टाइम में हूँ, कजाकिस्तान वाले टाइम में हूँ, तो थोड़ा दिक्कत थोड़ा है, बट ठीक है, काफ़ी मैंने मैनेज किया। अभी किर्गिस्तान में समय हो रहा होगा शाम सुबह के 2-3 बज रहे होंगे और यहाँ पे 9 बज गए हैं, तो मैंने काफ़ी मैनेज कर लिया, 9 बजे सो के उठ गया। तो ये बता रहा था कि अभी मैं सवेरे उठा हूँ आज, क्योंकि मुझे जादू दिखाना है आपको। जादू सिर्फ सवेरे के टाइम में हो सकता है और इस ठंडी इलाका में हो सकता है वो जादू। चलो वो जादू देखते हैं, आपने काफ़ी देखा होगा टीवी वगैरह में, बट मैंने आपको ये जादू, अब मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं भी ये जादू कर सकता हूँ, यहाँ के सारे लोग ये जादू कर सकते हैं। चलो मैं आपको जादू दिखाता हूँ। गाइज ये खौला हुआ पानी, एकदम गर्म पानी है, इसे मैं ऊपर फेंकूँगा और देखना क्या होगा। 3-2-1 पानी ऊपर ही रह गया, नीचे आया ही नहीं। और दूसरा जादू, ये खौला हुआ पानी में मैं खौला हुआ पानी में मैंने डाला है कपड़ा, उस कपड़े को मैं सुखाऊंगा 1 मिनट के अंदर। देखो कपड़ा सूख गया, वैसे फट रहा है, देख रहे हो क्या हो रहा है। तो जहाँ मैं रह रहा था वो ओमियाकोन से 4 किलोमीटर दूर है, एक छोटा सा गांव है, मतलब ओमियाकोन का ही पार्ट है, लेकिन दूसरा वाला पार्ट है, तो वहाँ पे मैं रह रहा था। फिलहाल मैं जा रहा हूँ वापस से ओमियाकोन, कि मुझे जाना है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, जहाँ से मुझे लेना है सर्टिफिकेट, जो कि मैंने इस शहर को विज़िट किया है। आप यहाँ विज़िट करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और मैं पैदल जा रहा था, 4 किलोमीटर में पैदल आराम से चलूँगा। ये जनाब मिले या भाई साहब मिले, लकड़ी लेके जा रहे हैं, ने कहा ठीक है लिफ्ट दे देता हूँ, लिफ्ट दे दिया, इसलिए मैं पूरा पैक नज़र आ रहा हूँ, क्योंकि मैं चल रहा था पैदल चल रहा था। तो 4 किलोमीटर पैदल चलने के लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए यार, यहाँ पे काफ़ी ठंड लगती है बाहर, तो हालांकि चल लेता मैं, मरता नहीं। मैंने पूछा था कि उस भाई साहब से जो मेरे होस्ट हैं, कि क्या मैं मरूंगा तो नहीं ना इस 4 किलोमीटर चलने में, नहीं नहीं मरोगे नहीं यार, गाल में फ्रॉस्टबाइट वगैरह हो जाएगी बट मरोगे नहीं। ने कहा ठीक है, ठंडी है और ठंडी कंडीशन जाना चाहिए बट मरना नहीं चाहिए, बोलने का ठीक है। और ये भाई साहब मिले प्रीवियन स्पेसिफा ब्रश स्पेसिफा स्पेसिफा बलसोई, और नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। Спасибо. До свидания. Я надо кар мне ले के आ रहे थे। आगे जाना है एकदम सीधा इस तरफ, कहीं थोड़ी निकल गए किसी इस तरफ, अरे यार धुआं आ रहा है। दस्ताना पहन लो यार, ठंडी मार देगी। इतना मोटा दस्ताना पहनता हूं यार, कभी पहना था आपने? पुराना है मानता हूं, बट जान बचाने के लिए काफी है। तो मैं जा रहा हूँ अभी सिटी के मेयर से मिलूंगा और सर्टिफिकेट लूंगा कि मैंने
पोल ऑफ कोल्ड विजिट किया है, दुनिया की सबसे ठंडी जगह, दुनिया का सबसे ठंडा गांव, -71.2 डिग्री सेल्सियस। सोच के डर लगता है। ड्रिंक एंड ड्राइव का लगा हुआ है पोस्टर इधर भी। तो अब जैसे ही सिटी के अंदर इंटर होते हो, सबसे पहले आता है ये वाला बुल साइन। ये -71.2 डिग्री सेल्सियस वाला जो तापमान है इसके बारे में आता है। तो मैं आ गया हूँ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस सर्टिफिकेट लेने के लिए, और यहाँ पे नाम वगैरह फिल करना पड़ेगा। मैं इनसे डाटा वगैरह ले रहा था कि कितने इंडियन यहाँ पे आते हैं नहीं आते हैं, तो पता चला कि यहाँ पे 4 इंडियन अभी तक आए हैं। मैं 5वां इंडियन था जो यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो काफ़ी इंडियन से नहीं आते, यहाँ से लड़ी लोग आते जर्मनी से। जर्मनी कितई था? जर्मनी कितई जर्मनी था? रूसिया, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, जापान, टोक्यो, किताई, फ्रांसिया, इंडस्की माला, इंडिया, चितिरे था, मिनिया पियत, हाँ नहीं कुछ कुछ चौथे भी इस मिनिया चितिरे, हाँ ओके। मैं यहाँ पर आया हूँ, 1943 नंबर है मेरा जो मैं यहाँ पे, तो मैं 1943 नंबर आया हूँ। 1763 व्हाट इस दिस नोमियर है ता दिस नंबर ऐता वो नोमियर सर्टिफिकेट है ता हाँ सर्टिफिकेट नंबर ओके хорошо तो मैं चौथा इंडियन नहीं हूँ जहाँ जाओ यहाँ पर पहुँचा हूँ। काफ़ी अच्छा लगा जानकर कि चौथा इंडियन हूँ। बाकी धीरे धीरे और अलग अलग जगह जाते रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहें। तो ये था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, मैंने यहाँ से सर्टिफिकेट वगैरह ले लिया है। अब जाता हूँ वापस से एक मैगज़ीन वहाँ पर, कुछ खाऊँगा पीऊँगा क्योंकि किस गाँव में कैफ़े नहीं है तो आपको कुछ खाना पीना है तो मैगज़ीन मतलब जो लोकल शॉप होता है, छोटा मोटा सुपरमार्केट, वहाँ से आपको खाने पीने की चीज़ मिल जाएगी, लाइक चॉकलेट वगैरह सब। बाकी खाना पीना यहाँ नहीं मिलने वाला। ये था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, छोटा सा था ये, बहुत छोटा सा। मैगज़ीन कहीं उस तरफ है, क्रॉस करते हुए चलता हूँ, दौड़ना पड़ेगा अब। कुछ ऐसा है यहाँ पे नज़ारा। सर्टिफिकेट ले लिया मैंने, क्या कुछ गिर गया था मेरा सेट। ठंडी हो जाती है गिरने के बाद। सर्टिफिकेट ले लिया मैंने, सर्टिफिकेट मिल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब चलता हूँ मैगजीन की तरफ, खाऊंगा पीऊंगा फिर चलूँगा स्कूल। स्कूल में भी एक बार देख लूँगा क्या स्कूल में है नहीं है, उसके बाद वापस अपने गाँव की तरफ, कि यहाँ कुछ तो है नहीं देखने लायक ऐसा। बस ठंडी को महसूस करो अगर यहाँ आए हो तो। अपने कैमरे को मैं ठंड से बचाने के लिए इसमें रखता हूँ घुसा के अपने दस्ताने के अंदर, ताकि ठंड ना लगे अपने मेरे कैमरे को और तो मेरा कैमरा मर नहीं जाए बार बार। हाँ, घर के आसपास कोई है ही नहीं यार, देखो लगता है कि ना सुनसान सा कोई मर गया है शहर में, कोई है ही नहीं, बाहर दिखता ही नहीं कोई। कुछ लोग यहाँ पे, एक मैगज़ीन रहा, एक लोग दिख रहे हैं जो मैगज़ीन से जा रहे हैं। इस गाँव की पॉपुलेशन अराउंड 550 के आसपास है, 550 लोग रहते हैं यहाँ पर, कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, उससे ज़्यादा। अच्छा तो कुत्ते देखो यार, -50 में आराम से हैं। क्या हो गया? चलो चलो कुछ खरीद के लाता हूँ मैगजीन से, जा रहा हूँ मैगजीन। तो बता रहा था कि यहाँ 550 लोग रहते हैं लेकिन बाहर तो कोई दिखते ही नहीं, सब अंदर ही रहते हैं यार, बाहर निकलते ही नहीं है। छोटा सा गांव है ये लेके रहा थोड़ा सा, ओह शिट फिर दस्ता ना गिर गया मेरा। हाँ, थोड़ा जो टावर वगैरह दिख रहा है इस तरफ, बस खत्म हो जाता है गांव। यहाँ पे तकरीबन 100 घर हैं यहाँ पे,
120 घड़े हैं यहाँ पर टोटल, 500 लोग रहते हैं, 550 लोग। चलो ये रहा मैगजीन, चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या क्या है मैगजीन में। खाने लायक लगता है कुछ चीजें हैं इधर। रास्ते पीछे कैफे कुदा कैफे 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 दा नेट कैफे फूड कुसे कुसे इदा कुदा दिस नेटो नेटो। तो गाइस ये है इकलौता और छोटा सा मैगजीन, मार्केट है यहाँ पे सब कुछ मिलता है, बाल्टी से लेके प्लेट से लेके चावल दाल से लेके ये सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, बिस्कुट वगैरह सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा मैं चाय पी रहा हूँ, चाय भी बेचते हैं भाई साहब, दूध वगैरह भी है यहाँ पे, बहुत कुछ है यहाँ पे, सब कुछ है। कपड़े वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे, कपड़े वगैरह मस्त है यहाँ पे यार, लेकिन महंगे हैं। ये जूता मैंने बताया कितने का है, जूता 3500 का है, सॉरी 3500 रुपये का है, तो वही अराउंड 4000 रुपये के आसपास। सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, कपड़े वगैरह भी मिल जाएंगे आपको इस सब ठंडी के लिए, कपड़े की क्वालिटी भी मस्त है। तो इकलौता है ये, बट सब कुछ है यहाँ पे, छोटा सा अच्छा सा मस्त सा। खाने पीने के लिए केले मिल रहे थे, केला काफ़ी महंगा यार यहाँ पे, 47 रुपये का केला एक, 47 रुपये मतलब 50-55 रुपये के आसपास का एक केला है। ठीक है, 1 बज रहे हैं भाई साहब को जाना था, लेकिन मेरे लिए रुक गए क्योंकि चाय, मैंने चाय मांगा एक, मैंने ये भी ख़रीदा सुपर 18 रुपये का, सही है उतना महंगा भी नहीं है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ ये पुल आखिर किस लिए बनाया है यार, यहाँ पे कुछ नदी वगैरह है क्या, मेरे हिसाब से कोई नाला वगैरह है जो कि ठंडियों में पता ही नहीं चलता क्योंकि जम जाता है ना, ये कुछ पुल बनाया गया ऐसा। ये बड़ा सा पुल है, सॉरी छोटा सा पुल है, बट किस लिए बनाया गया मुझे समझ नहीं आया। वहाँ पे कुछ कुत्ते वगैरह रहते हैं नीचे इस पुल के, यहाँ पर कुत्ते रहते हैं, बाकी भगवान जाने ये क्यों पुल बनाया है, नाला है या कुछ है यहाँ पे जरूर, क्योंकि ठंडियों में पता नहीं चलेगा कि ठंडियों में सब कुछ जम जाता है। हाँ, और एक चीज़ और देखा मैंने, दिखाता हूँ आपको, तो ये ना पानी की टंकी नहीं है, ये पानी वाला पाइप नहीं है, ये हीट वाला पाइप है, और ये गर्म है, ये ना वो कोयला वाली फैक्ट्री से आता है जहाँ पे कल हमने कोयला छोड़ा था, और कोयला यहाँ जलता है और सारे घर में सप्लाई होता है और लोग वापस से जलाते भी हैं। ये है कुछ ऐसा, मुझे लगा था कि ये पाइप पानी वाली होगी, बट नहीं, कुछ अलग सा है, गर्म सा है, वो छूने पे गर्म लगता है, मज़ा आता है छूने में, ठंडी में गर्मी। कुदा स्कूल, स्कूल इज नाउ स्कूल, स्कूल 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 टीचर उली सत टीचर उली स्कूल स्कूल इज नॉट इज़ नॉट ये не понимаю что говоришь не понимаю а school 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 нет нету непонятно непонятно какой school school Children, to children. Uli teacher, teacher. Uli teacher. Uli чай. Uli чай. Kya kehte hai yaar? Uli чай. Вообще не понимаю, что про что говоришь. Один минут, калькулятор. Bhagwan kasam, samajh nahi aa raha. Armenia, India. India, da. Da. Куда? Индия, Джимми, Джимми, Аджа, Аджа. С какого города? Дели? Город? Нет, Дели, Калькутта. Нету Калькутта. Калькутта? Знаю Калькутта. Ну. Да. Нету Калькутта, не Дели. Ну хорошо. Издалека приехали? Да, да, очень далеко. Не холодно? Нормально. Тебе холодно?
Нет, не так уж. Сегодня 50 с лишним. 50, минус 50, да? 55. 55? Хорошо, хорошо. Вот там магазин есть. Магазин. Магазин, да? Клуб там есть. Клуб. Сколько километров? Школа там есть. Школа там? Школа? Школа. Магазин там. А, окей. Сколько километров? Сколько? Нет, до сюда. Прямо? Вот, примерно 200 метров. 200 метров. Mm-hmm. Спасибо большое. До свидания. Ну, давай, пока. Пока. Давайте. Mm-hmm. Удачи. तो मैं बस ओम्याकोन की गलियों को छान रहा हूँ, घूम रहा हूँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, माइनस 50 डिग्री सेल्सियस में, माइनस 50 का तापमान है अभी, बस ठंड तो लग रही है, ऐसा नहीं कि ठंड नहीं लग रही है, खासकर कि ये जो वाला पोर्शन है, ये मुंह वाला जहाँ, जो मेरा एक्सपोज पोर्शन है, जहाँ सब कुछ दिख रहा है, वहाँ पर जलना शुरू हो गया है, और फ्रॉस्ट बाइट का संभावना है, बाकी देखा जाएगा क्या होता है, खून जो जमने लगता है ना, आपने सुना था कि कभी सुना होगा कि दुनिया के सबसे ठंडी जगह में खून जमने लगता है, तो ये जो फ्रॉस्ट बाइट होती है उसी को कहते हैं खून जमना, काला हो जाता है, लाल पहले हो जाएगा, लाल लहरने लगेगा फिर काला हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, अब यहाँ आए तो कुछ लेके जाना पड़ेगा ना। और ये है यहाँ का इकलौता स्कूल, काफ़ी बड़ा सा है, चलो अंदर चलते हैं। खुल जा यार, अरे बंद, आओ उस तरफ से, इस तरफ का रास्ता बंद है। इधर रास्ते बच्चे इंग्लिश की जाए हो? इंग्लिश की? इंग्लिश की नो। नहीं, मिनिया टूरिस्ट। आप भी टूरिस्ट हैं? आप कुछ प्रिय को? इंडिया। Индия. О, жаркая страна. Очень жарко. Очень жарко. Да. Значит, просто приехали на машине или на велосипеде? Автостопом. Автостопом? Да. Да. А вы так хорошо говорите по-русски, почему? Нет, говори хорошо, говорю. Нет, хорошо по-русски говори, чуть-чуть говори. Да, хорошо говорите. Нет, 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 хорошо. Да. А вы где работаете? Нет, работа, турист. А. Меня блогер. А, блогер, да. Да, а, да. Ой, надо было подойти пораньше. What? До обеда. English is, right? Да. You speak English? Uh-huh. No. Yes. You're an English teacher? Yes. Oh, nice. My name is Shubham. My name is Lana. Nice to meet Tarkalana. You. I want to see this school. Ah, there are nobody now.